हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीएनएस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आप लोगों के साथ, आपको हमारे साथ इसी तरीके से बना रहे उसके लिए आप सभी को मेरे इस चैनल को बीएनएस ब्यूटी मंत्रा को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो मैं आप लोगों को नॉलेज देती हूँ और आप लोगों के साथ ये जितनी भी बातचीत करती हूँ वो और लोगों तक भी पहुँच सके और लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो गाइस, आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो सबसे स्पेशल है आप लोगों की स्किन और हेयर के लिए। विंटर के टाइम पे सभी के जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, डलनेस की तरफ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप लोगों को, देखो ठीक है, फेशियल आपको करवाना ही पड़ेगा, आपको ब्लीच करवानी पड़ेगी, अपनी स्किन बाय स्किन की रूटीन जो डे वाली रूटीन है आपकी वो तो आपको रखनी ही रखनी है, पर आपको अंदर से भी अपने आप को प्रोटीन न्यूट्रिशन देनी है, ताकि आपकी स्किन जो है जो बाहर से ग्लो करे वो अंदर से भी और ज्यादा ग्लो कर पाए, ताकि आप जो फेशियल करवाएं तो वो जो आपका ग्लो है वो एकदम निखर कर आए, ताकि आप तक ही बहुत ग्लोइश ग्लोइश और आपकी स्किन एकदम चमके। तो गाइज, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी आज सीड्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप लोगों को लेनी है, और ये विंटर्स में बहुत ही अच्छे रहते हैं, आप लोग इसको इजीली ले सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ज्यादा देर नहीं करूंगी। तो आप लोगों को पहले सीड्स का मैं आपको नाम बताती हूँ, वो है वॉलनट। वॉलनट आप सभी को पता है, अखरोट जिसे कहते हैं हम। अखरोट जो है बहुत ही अच्छा होता है, इसके अंदर काफी ऑयल कंटेन होता है और विटामिन ई की भरपूर मात्रा में होता है इसके अंदर। तो ये जो वॉलनट है आप बहुत इजीली ले सकते हैं, आप किसी भी, आप अपनी जैसे आप अपना इसको दूध के साथ आप लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ये, आपके माइंड पावर के लिए भी बहुत अच्छा ये होता है। इसके अंदर साथ के साथ जो है एक आपके विटामिन भी पाया जाता है, जो आपके स्किन को अंदर से बहुत ही अच्छी फाइबर और नरिशमेंट करता है। साथ में इसके अंदर क्या होता है, ये आपकी एजिंग स्किन को, जो प्रीमेच्योर्स हो रही हैं, एजिंग स्किन की तरफ बढ़ रही है, 35 के अप हो गए, 40 के अप हो गए, उनकी धीरे धीरे स्किन जो है एजिंग के पास हो जाती है, तो उससे भी जो है आपकी स्किन को वॉलनट जो है वो बचाता है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करता है, ये आपके स्किन को क्या करता है, बूस्ट करता है। आप इसको डेली ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, आप एक अखरोट खा लीजिए, इनफ है आप लोगों के लिए। तो आप डेली अखरोट खाएंगे तो वो आपके बॉडी को बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल देगा, आपके स्किन को भी, आपके हेयर को भी, और साथ ही साथ आपके माइंड को भी क्या करेगा, बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों का आलमंड। देखिए, आलमंड जो है आप सभी खाते हैं, ये बात करेक्ट है कि आप सब लोग आलमंड खा रहे हैं फिर भी कहते हैं हमें कोई असर नहीं पड़ता है। तो गाइस, आप अपनी मार्केट में आप जाके देखेंगे, आलमंड जो है काफी वैरायटीज में आती हैं, पर पहचानना आपको है कि आपके लिए कौन सा सही आलमंड। सही आलमंड को आप कैसे पहचानेंगे उसका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आप लोग जब मार्केट में जाओगे तो आपके अमेरिकन बादाम आते हैं, गुरबंदी आता है, मामरा आता है। तो गाइस, आप जो है गुरबंदी खा सकते हैं। गुरबंदी में होता क्या है कि थोड़ा सा कोई कोई बादाम कड़वा भी निकलाता है गाइस, तो कोई बात नहीं है, पर लेकिन जैसे आपके अमेरिकन बादाम होते हैं उसमें कोई भी बादाम कड़वा नहीं निकलता है, और जो बादाम होता है वो लंबा भी होता है अमेरिकन वाला। तो गुरबंदी बादाम जो होता है वो आपका छोटा बादाम होता है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, और बहुत ही बेनिफिशियल होता है वो आप लोगों की स्किन के लिए एंड हेयर के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और जो उसका ऑयल होता है जब आप उसको आप खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू होगा, जो उसका ऑयल जो होगा वो आपके स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है और आपके स्किन को जो है ड्राई होने से बचाता है, कि कहीं को एक्जिमा हो जाता है या स्किन जो है पील ऑफ होनी शुरू हो जाती है। तो गाइस, उससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। आप डेली अपनी 4-5 आलमंड ले सकती हैं, आप मिल्क के साथ लीजिए, आप अपनी अगर ब्रेकफास्ट में आप लोग ओट्स वगैरह खाते हैं तो उस पर क्रश करके डाल सकती हैं, अपने स्मूदीज में ले सकती हैं। तो आलमंड आप बहुत तरीके से ले सकती हैं। तो गाइस, आपको ये जरूर लेना है अगर आपको अपनी स्किन रखनी है ग्लो।
नेक्स्ट आप लोगों का कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स क्या है, आपके स्किन को क्या करता है, प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को, मतलब सेल जो होते हैं हमारी स्किन को जो रिपेयरिंग करती हैं, स्किन बनती है अंदर ही अंदर, उस सेल को जो है रिपेयर करने में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ क्या करता है, उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपके जो स्किन को है डैमेज होने से बचाता है, किससे, एक्नी से। अगर किसी को एक्नी हो रहा हो, एक्नी प्रॉन स्किन है, उससे भी आपको ये बचाता है। और गाइस इसके अंदर भी क्या होता है, आपका काफ़ी अच्छा मात्रा में इसमें भी ऑयल होता है जो आपके स्किन को बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देता है, ऑयलिंग करता है अंदर से, और जो आपके स्किन को क्या है डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि जैसे मेरी स्किन ग्लो करे और आपकी भी स्किन ग्लो करे, तो उसके लिए आपको भी इन सीड्स का सेवन करना है। आप जरूर इन सीड को खाइए। आप जब इन सीड्स को खाएंगे ना, आपको बहुत ही यम्मी टेस्टी सीड्स होते हैं। मैं तो डेली रोज मेरा है कि मैं ब्रेकफास्ट में लेते ही लेती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अपने इन सीड्स को खाने में बहुत डिलीशियस होते हैं। तो गाइस आप जो है इस सीड्स को खाकर आपको कैसा लग रहा है और आप कितना इम्प्रूवमेंट फील कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। और कुछ भी क्वारी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, उसके सॉल्यूशंस चाहिए या कुछ भी, किसी भी चीज़, स्किन, हेयर, हमारी ब्यूटी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वारी हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करती हूँ हर बार। और चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी मैंने आपको लिंक शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस चले चलते हैं इसी वीडियो के साथ, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।